बिड़की जिलाधिकारी कार्यालय के सामने लोक सेना संगठन की ओर से अल्पसंख्यक समाज की विविध मांगों को लेकर धरना आंदोलन किया गया है। बीड़ जिले के साथ ही राज्य के सभी जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण समिति स्थापित करके सदस्यों के नाम और संपर्क सार्वजनिक किए जाए। सभी जिलाधिकारी कार्यालयों में स्वतंत्र अल्पसंख्यक विभाग स्थापित करके विशेष राजपत्रित अधिकारियों को निवृत्त किया जाए। इसी के साथ ही ऐसी अन्य मांगों को लेकर जिलाधिकारी कचहरी के सामने यह धरना आंदोलन किया गया। इसी समय मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया जाए, इस मांग पर भी मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। बीड के विधायक संदीप क्षीरसागर अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सदस्य होकर भी इन प्रश्नों को दुर्लक्षित करते हैं। आने वाले समय में मांगों को पूरा नहीं किया गया तो विधायक क्षीरसागर, इनके साथ पालक मंत्री धनंजय मुंडे, इन्हें भी घेरा जाएगा। ऐसी चेतावनी लोक सेना संगठन की ओर से दी गई। आम्ही आज लोक सेना संघटने मार्फत जिलाधिकारी समोर धरने आंदोलन करत आहोत। आमची जी मागणी आहे प्रधानमंत्रीच्या 15 सूत्री कार्यक्रम राबवण्यासाठी, तसेच जिल्ह्यातील मुस्लिम अल्पसंख्यक समाजाच्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली जाते, अल्पसंख्यक कल्याण समिती। गेल्या 3 वर्षापासून आम्ही समितीसाठी मागणी करत आहोत, परंतु आजपर्यंत जिल्हा अल्पसंख्यक कल्याण समिती गठित करण्यात आली नाही। त्यासोबत इतर जिल्ह्यात पण समिती गठित करण्यात आली नाही। आणि त्यासोबत 2012-13 बीड जिल्ह्यात जिल्हा परिषद संलग्न 160 उर्दू बालवाडे मंजूर झाले होते, ते बालवाडे आज गायब झालेले। आमची मागणी आहे की ते बालवाडे प्रकरणी चौकशी करण्यात यावी। आणि मागच्या सरकारमध्ये एक आदेश निघाला होता की जे बालवाडे आहे अंगणवाड्यामध्ये रूपांतर करा। जिल्ह्यात नेमके किती उर्दू बालवाडे अंगणवाड्यामध्ये रूपांतर झाले याचा डेटा पण जिल्हा परिषद आणि जिल्हा प्रशासनाकडे अवेलेबल नाही। त्याचसोबत आमची प्रमुख मागणी आहे की राज्यातील इतर समाजासाठी बाटी आणि साठी सारखे एक संशोधन संस्था निर्मिती करण्यात आली, तसंच अल्पसंख्यक समाजासाठी संशोधन और प्रशिक्षण संस्था निर्मिती करण्यात यावी। बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्य अल्पसंख्यक कल्याण समितीचे सदस्य संदीप भैया क्षीरसागर यांना आम्ही घेराव घालणार आहे आणि त्यासोबत तीव्र आंदोलन आम्ही करणार आहोत। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर।